विजुअलाइजेशन ऑफ टूरिज्म में आपका स्वागत है हमारी विशेष वीडियो सीरीज में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक खास स्थल की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, दीघा पश्चिम बंगाल। भारत में किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत आसान है। इसके लिए हमारे पास भारतीय रेलवे की सुविधाएं हैं। जगन्नाथ मंदिर पश्चिम बंगाल में दीघा समुद्र के तट पर स्थित है। यहां आने के लिए आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और हावड़ा शहर से बस ट्रेन मिल जाएगी। मैं सुबह 6 बजे हावड़ा से लोकल ट्रेन से दीघा के लिए निकल रहा हूं। रास्ते में सड़क के दोनों ओर धान के खेत और कमल के बगीचे, साथ ही सुबह की मीठी हवा एक अद्भुत एहसास देती है। ट्रेन से यात्रा करते हुए मैं दीघा स्टेशन पहुंचा। थोड़ी देर में स्टेशन पर उतरूंगा। पांच घंटे तक ट्रेन से आने के बाद अब मैं दीघा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच गया हूं। यहां से मैं निकास की ओर जा रहा हूं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 5 मिनट चलने के बाद अब मैं प्रस्थान द्वार पर पहुंच गया हूं। जब मैं यहां आया तो देखा कि सर गेट के पास टिकट चेक करने के लिए खड़े थे। अगर आप ट्रेन में आना चाहते हैं तो वैध टिकट खरीदें, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। स्टेशन से निकलने के बाद मैंने देखा कि दीघा के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए यहां कई ऑटो खड़े थे। जगन्नाथ मंदिर स्टेशन से 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। मैं अब जगन्नाथ मंदिर की ओर चल रहा हूं। दीघा अपने समुद्री तट और पार्क के लिए मशहूर है, साथ ही जगन्नाथ मंदिर से दीघा का आकर्षण दोगुना हो जाएगा। अगर आप दीघासी बीच का वीडियो देखेंगे तो वीडियो आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, आप वहां क्लिक कर सकते हैं। दीघा को बंगाल का गोवा कहा जाता है। इसका समुद्री तट और आसपास के जंगल एक खूबसूरत एहसास देते हैं। मंदिर का निर्माण कार्य 2022 मई को शुरू हुआ था
और ऐसा माना जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा। इस मंदिर के निर्माण के लिए दीघा शंकरपुर विकास परिषद ने अड़ जमीन दी है। हितक ने मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी ली है और इस मंदिर के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना के अनुसार यहां 8 मंदिर बनाए गए हैं। इनमें से 3 मंदिर जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को समर्पित हैं और 1 मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है। बाकी मंदिरों में रसोई, विश्रामागार, बद्दीशालाएं हैं। मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान से बलुआ पत्थर लाया गया है। इसी पत्थर से जगन्नाथ देव का विशाल मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर होगी। इस मंदिर का प्रबंधन दीघा शंकरपुर यूनियन परिषद द्वारा किया जाएगा। इस मंदिर की नींव कंक्रीट और लोहे की छड़ों से तैयार की गई है। इस मंदिर का लाइट एंड साउंड सिस्टम 15 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जा रहा है। निर्माण पूरा होने तक मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है। पुरी की तरह मिलन अभिवादन और रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा और भक्तों की एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक दे देना।